कल वाली वीडियो मैंने स्टार कैप्टन के ऊपर बनाई थी और उनके ही पीओवी से बनाई थी, तो काफी सारे लोगों ने मुझे गालियां दी कि एलो आलोक भी जीता है, उसका पीओवी आपने नहीं दिखाया, ये वो। भाई मैं एक वीडियो में नहीं दिखा सकता था इतना बड़ा, तो मैंने सोचा था 2 दिन 2 वीडियो बना लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट उससे पहले तुम लोगों ने मुझे इतनी गालियां दी कमेंट सेक्शन में, मैंने हर गाली का रिप्लाई भी किया, मैं क्या ही बताऊं। और ये वाली वीडियो मैंने अभी तक प्ले भी नहीं किया है, लिटरली ये वाली वीडियो अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी, मुझे नहीं पता आलोक ने कैसे मारा, क्या है क्या नहीं है, बट वीडियो को साथ में देखते हैं। और वीडियो इसलिए मैंने प्ले नहीं की ताकि एक रॉ रिएक्शन निकल सके। मुझे नहीं पता था कि इतनी गालियां पड़ेंगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। भाई क्या जोरदार एडिटिंग की है इन दोनों ने, मतलब इतनी तो स्टार कैप्टन के चैनल पे भी नहीं थी। ओके वीडियो शुरू हो चुकी है, अब शांति से देखो। मोस्ट अवेटेड मैच इज हियर। मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि एक मैच स्टार कैप्टन जीता है, एक मैच आलोक जीता है। और तुम लोग अगर एक चीज नोटिस करो तो जो स्टार कैप्टन की वीडियो थी ना कल वाली, भाई उसमें स्टार कैप्टन की ऑलमोस्ट 30-35 पिंग आ रही थी। अरे नाइस, यहाँ पे आलोक की 160-150 से नीचे नहीं आ रही है बिल्कुल भी। उसके बाद भी अगर आलोक जीतता है तो भाई लिटरली प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल में जाके जीत रहा है भाई बंदा, वो भी अगेंस्ट 30 पिंग वाले बंदे के अगेंस्ट 150 पिंग वाला बंदा जीत रहा है भाई। स्क्रीन शेक से एम इतना पावरफुल हो जाता है क्या? आई डिडंट नो दैट। मतलब हाँ, मैं स्टार्टिंग में अपने अर्ली डेज में स्क्रीन शेक किया करता था, बट इतना पावरफुल एम, कितनी गोलियां भरी है भाई, कितनी गोलियां मारी है। पिंक का इश्यू बहुत आने वाला है भाई, ना तो आलोक पीक कर सकता है। अरे ब्रो यहां पे यार कितना बड़ा डिसएडवांटेज है भाई जिस हिसाब से, अबे कितना लो किया भाई, भाग गया स्टार। नाइस वन। तुम लोग एक चीज नोटिस करो, जिस हिसाब से स्टार कैप्टन पीक कर रहा है ना क्राउच करके पीक, वैसा आलोक एक बार भी नहीं कर रहा अभी तक, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा भाई इतने पिंग में, इतना डिले होगा। ऑफ एंगल, हाँ लेफ्ट साइड से फाइट ली थी ना, तभी मोस्ट ऑफ द टीडीएम प्लेयर्स है ना अपने राइट से फाइट लेना पसंद करते हैं। हाँ पैनिक तो किया, चोक कर दिया पैनिक की वजह से, बहुत ज्यादा शेक कर दिया ना, एम लगा नहीं प्रॉपर। और एक क्या मारा है भाई, हाइट का एडवांटेज, हाइट एडवांटेज से क्या होता है, सीधा हेड लगते हैं भाई ऊपर से बंदे को। ओ डीसिंग, हाँ ब्रो पिंगी इतनी ज्यादा है। ओ हाँ ये कल वाला मैच था, माय हैंड स्टार्टिंग शेकिंग बैडली, आई वाज बैडली एंड हां ठीक है समझ गए। तो ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए पता है गेम स्टार्ट होने से पहले। हाँ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने भाई स्नेहिल ओपी की वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि आलोक क्या प्रॉब्लम हुई, आलोक को आलोक ने बताया कि वो खेला नहीं था पहले तो हाथ बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, फर्स्ट मैच था ऐसा बताया। कोई बात नहीं समझ सकते हैं। अरे क्या चल रहा है ये दोनों इधर उधर क्यों हो रहे हैं। नाइस वन। ओके स्टार्टिंग थोड़ी सी फनी हुई है भाई, बहुत ज्यादा इधर उधर, बट थोड़ा सा ट्राई देखते हैं कि भाई कितना मार्जिन से आलोक जीतता है, क्योंकि ये मैच तो डेफिनेटली आलोक जीता है ठीक है। और 157 पिंग, मुझे पता नहीं किस बेस पे आलोक गया खेलने, आलोक ने क्या सोचा अपने दिमाग में भाई कि मैं खेलूंगा कुछ भी हो जाए। बट पर्सनली मैं बताऊं, मैं होता ना आलोक की जगह तो भाई मैं नहीं खेलता 150 पिंग और 30 पिंग के अगेंस्ट, यार कोई क्यों ही खेलेगा। बट मे बी आलोक को प्रूफ करना था या कुछ भी सीन था, भाई वो खेला तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और 3-1 से स्टार्टिंग हुई है ब्रो। ए चोक, अरे वन साइडेड जिगल भाई, स्क्रीन शेक सच में काम आता है ब्रो। मैं देखो अगेंस्ट नहीं था स्क्रीन शेक के कभी भी, बट मैं स्क्रीन शेक के साइड में भी नहीं हूँ कभी भी, मुझे नॉर्मल एम ज़्यादा पसंद है। बट जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना स्क्रीन शेक से हेड चिपका रहा है भाई बंदा, उस हिसाब से लग रहा है कि हमको शुरू कर देना चाहिए स्क्रीन शेक।
5-1 का स्कोर अगेंस्ट स्टार कैप्टन प्लस 150 पिंग। स्टार कैप्टन को पैनिक कर दिया क्या बंदे ने? पर मैं भाई सॉरी बोलता हूँ दोबारा से, मैंने वो नहीं मतलब एक वीडियो में दोनों की वीडियो का रिएक्शन नहीं बनाया, क्योंकि वो यार 15-20 मिनट का हो जाता, कोई सेंस नहीं बनता, आप दोनों मतलब इतना लंबा देखते नहीं उसको, मुझे पता है, इसलिए मैंने वेट किया ना। एम प्लस जिगल फाइव थ्री का स्कोर भाई। स्टार कैप्टन अर्ली किल्स देखे तो भाई पैनिक हो गया होगा खुद, मुझे लग रहा है। फुल फ्री फायर भाई, फुल फ्री फायर। ये अपने राइट से ही फाइट लेंगे दोनों। अरे he did a comeback, yes bro, एक पे था वो, 5-1 का स्कोर था, 5-4 हो गया। स्टार कैप्टन ने 3-4 का कॉम्बो कर लिया है। अरे ब्रो वाई ही इज जंपिंग, नाइस वन। तुमने एक चीज नोटिस करी, तुम लोग पीछे करके देखना कितना वॉल के चिपका के क्रॉसर रखा भाई, यूं बिल्कुल पीछे आते हुए कितना प्रिसाइजली। वो बहुत अच्छा था पता है, क्रॉसर ज्यादा इधर उधर मूव नहीं किया। क्रॉसर स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है पता है, बिल्कुल एम चिपकाने में। और अगर तुम स्क्रीन शेक कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉपर आना चाहिए स्क्रीन शेक, क्योंकि अगर उसमें हक दिया क्रॉसर तो तुम्हारे स्टेबल है ही नहीं ना। ही इज गोना पुश, डेफिनेटली ही विल पुश। पीछे आए हील करने के लिए भाई, स्टार कैप्टन ने अगर टाइम दे दिया हील हो गया लोग, चलो बहुत बढ़िया। स्टार कैप्टन ने टाइम दे दिया पता है हील करने का, वो गलती कर दी। नाइस वन बट स्टिल, हाँ यार ले लिया, एम अच्छा था। देखा पीक कितना लेट वो हुआ बंद हुआ भाई, ये पीक का तो इतना बड़ा डिसएडवांटेज होता है ना, बहुत स्पीड लॉस्ट हो जाती है पता है। जितना तुम पीक करके बंदे को डैमेज देके कवर में आ सकते हो ना, उतना भाई पूरी फुल बॉडी अगर तुम एक्सपोज करोगे तो फिर पड़ेगी तुमको। अरे वो कितना जल्दी ऊपर चढ़ के ऊपर से मारा भाई, इन लोग को टीडीएम का एबीसीडी सब पता है। ये देखो ऐसे मारा था बिल्कुल, और सेम आलोक ने भी किया। आलोक कितना अच्छा ऑब्जर्वर है, देखा तुमने? मैं भी आलोक को पहले से आता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बट स्टिल जैसे स्टार कैप्टन ने किया, आलोक ने सेम चीज करके मतलब स्टार कैप्टन को डैमेज दे दिया वहां पे जंप करके। 7-5 नाइस वन, और 1.5 मिनट बचा है, क्या स्टार कैप्टन कमबैक कर पाएगा? बहुत संभल के खेलना होगा, बहुत संभल के खेलना होगा। ये देखो अभी ये पीक आउट नहीं कर सकता, यहाँ पे पीक आउट करेगा तो बहुत लेट होगा, इसलिए वो पीक को लेकर ही अंदर आ रहा है, समझ रहे हो? हाई पिंग का ही डिसएडवांटेज होता है, बहुत गंदा वाला। ये बहुत गलत मूव है यार। ओ ब्रो, मेरे को लगा आलोक नहीं मार पाएगा, क्योंकि जब आपको बंदा नहीं दिख रहा आप उसके बावजूद भी एक रिस्क लेकर ओपन में आ रहे हो, फिर तुम उस बंदे को ढूंढ के एम शिफ्ट कर रहे हो, तो उतने में बहुत टाइम लग जाता है, सामने से मार देता है, बट उसके बाद भी आलोक ने मार दिया। इतने डिफरेंस से मैंने कभी देखा नहीं स्टार कैप्टन को हारते हुए, मतलब तुमने देखा है तो कमेंट करके बताओ भाई। हेलो गलत मूव, बहुत ओपन में आ गया था स्टार कैप्टन ने, सबसे अच्छा काम ये किया कि भाई वो यहाँ पे चढ़ के ओपन में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर होके मार रहा था, पता है वो सबसे अच्छी चीज हो जाती है। खत्म हो गया, बिग लव एंड रेस्पेक्ट टू हिम। नाइस वन नाइस वन नाइस वन नाइस वन नाइस वन। तुम लोग जाके भाई आलोक का चैनल चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फुल क्रेडिट्स के साथ में। और कल के लिए सॉरी भाई, जितने भी लोगों ने गालियां दी मैंने सबको सॉरी बोला रिप्लाई में भाई, सबको जाके चेकआउट करना। टिल देन मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में भाई, बिग रेस्पेक्ट टू आलोक, और
सब्सक्राइब करना बंदे को, सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।